फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर बनी एक नोबल प्रोफेशन ज्वाइन किया और जो आपकी साइकोलॉजी वाला पार्ट था उसको आपने थोड़ा पीछे हटा दिया और सेक्स थेरेपी वाला जो पार्ट है आई नो आपने मुझे बताया हुआ कि ये हिस्सा होता है जो है इसी इसी का हिस्सा होता है बट आई जस्ट वॉन्ट नो कि वो पीछे कैसे रह गया अच्छा और आपने इसको इतना ज्यादा कैसे इनहेंस कर दिया 80 टू नाइन्टी परसेंट जो सेक्शुअल प्रॉब्लम्स होते हैं ना मुस्तफ़ा वो साइकोलॉजिकल होते हैं साइकोलॉजिकल होते हैं उनकी बेसिस जो होती हैं जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं मिस इनफॉर्मेशन होती है एंगजाइटी होती, yeah. होती है डर और खौफ़ होता है परफॉर्मेंस एंगजाइटी होती है चीज़ों का जो है वो एक्सपोजर ना होने की वजह से लोगों में बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं देन जो है आप, प्रैक्टिस लोगों की ख़राब होने की वजह से उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं बचपन के कुछ ऐसे ट्रामेटिक hmm. एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से लोगों की सेक्सुअल हेल्थ जो है फर्दर जब वो अपनी मैरिटल लाइफ में जाते हैं वो ख़राब होती है तो उसमें कुछ चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ते हैं सो सेक्स थेरेपिस्ट होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं रही आई एम प्राइमरली अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड देन अ सेक्स थेरेपिस्ट एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजी goes hand in hand और जो sexologist जिसे main apne taaruf ke andar bataya tha aapne mujhe correct kiya wo ek medical doctor hai jo ke medicine exactly, prescribed करता exactly. है bilkul बिल्कुल, बिल्कुल. Uh, sexologist जो है they come through uh, MBBS and then they get into this endrology वगैरह ये sexology में वो अपनी फिर further specialization करते हैं और वो sexologist बनते हैं we the psychologist we are the sex therapist इससे ज़रा मुझे बताएं कि mental therapy से तो हमें समझ आती है कि कोई बंदे को डिप्रेशन हो एनजाइटी हो सो यू यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट की रीज़न्स क्या है क्योंकि मेरे नज़दीक जो एंगजाइटी आपको होती तब है कि जब आपको किसी अन रीजन की वजह से नींद नहीं आती या आपको दिमागी सुकून नहीं है या आपको कोई बेचैनी है रीज़न अगर आपको पता हो तो आप उसको काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट कर लेते हैं फिर एनजाइटी वाले मामला जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं सो वो तो एक थेरेपी हमें समझ आ गई कि उसमें आप फाइंड आउट करते हैं कि किस वजह से से है, 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 यू गो के चीज़ तो नहीं है, कुछ है, तो नहीं बैगेज ये कैरी कर रहे पर इस जो आपने सेक्स थेरेपी की बात की इसमें क्या थेरेपी होती है और क्या मसाइल क्या होते हैं उसको किस तरीके से हल किया जाता है सेक्स थेरेपी में एक तो सबसे पहले मैं ये जरूर करूँगी कि चाहे कोई आ, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो चाहे किसी को दोनों में ही साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इन्वॉल्व होती है विदाउट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन आप किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते सेक्शुअल प्रॉब्लम की रीजन जो है मेडिकल हो सकती हैं जैसे डायबिटीज़ हो सकती है ब्लड प्रेशर हो सकता है डिप्रेशन लॉन्ग टर्म हो सकता है लॉन्ग टर्म एंगजाइटी हो सकती है आपका बचपन का कोई ट्रामेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सेक्शुअल प्रॉब्लम uh, को क्रिएट कर सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो हैव अ मेडिकल रीज़न एज वेल मगर अगर इसकी मेडिकल रीजन है भी तो भी आपको साइकोलॉजिकल हेल्प के बगैर यू कैन नॉट ओवरकम विद दिस अच्छा अब हम करते क्या है जैसे आपने कहा कि कोई अननोन रीजन होता है हमारे पास के जी उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है एंजाइटी की रीजन अननोन नहीं होती वी नो वेयर इज स्टेमिंग आउट ये कहाँ से उठ रहा है कहाँ से निकल रहा है ये पता होता है और सम टाइम्स इट इज़ अननोन इसी तरह से जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो अराउंड मैस्ट्रबेशन uh, है बहुत सारे मिथ्स हैं ये एक बड़ा कॉमन हमारा प्रॉब्लम है हमारी यूथ का एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे मिथ्स हैं इसके अराउंड अब यही मिथ्स जो हैं क्योंकि योर ब्रेन वर्क्स व्हाट यू थिंक आपके ब्रेन को जो मैसेज मिलना है ना इसने वही काम करना है लेट्स आप सोचते हैं कि जी मैस्ट्रोबेशन एक्चुअली इट कॉजेज वीकनेस uh, आपकी बॉडी में वीकनेस होती है ये जनरल हमारा एक बिलीव है लोगों का बिलीव है इसके ऊपर नेट के ऊपर बड़ी आपको तकरीरें मिल जाएंगी बहुत कुछों का सो so, आपका ये बिलीफ है कि ये आपको फिजिकली uh, वीक करता है एफ्टर मेस्टरबेशन एवरीबडी हु बिलीव दिस विल हैव द सेम फीलिंग के वो फिजिकली कमजोर हो रहे हैं वीक हो रहे हैं अब आपका बिलीफ सिस्टम आपकी फिजियोलॉजी को भी इफेक्ट करता है और आपकी सेक्सोलॉजी को भी इफेक्ट कर रहा है दोनों चीजों को इफेक्ट कर, कर रहा है आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट कर रहा है सो एज सेक्स वी 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 वर्क 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 ऑन 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 द द बिलीफ सिस्टम द जो परजन होती है लोगों के जो डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं सेक्सुअलिटी को लेके जो डर और खौफ होते हैं जैसे इसके और एक और एग्जाम्पल दूंगे अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो आई हुई जिसमें हमने विजनिसमस की बात की है अब विजनिसमस जो है लोगों को

नेशनली इंटरनेशनली कैनेडा यूके हर जगह जिनके दिमाग में ये फियर बैठा हुआ है कि एवर एवर दे दे आर गोइंग टू हैव हैव और विल uh, अपने हस्बैंड के साथ जब वो मेट करेंगी या वो पहला उस, उनका वो जो एक रिलेशनशिप रिलेशनशिपाजी ताल्लुक बनेगा उसमें दे विल बी हैविंग अनबेरेबल पेन उनको बहुत पेन होगा उनमें uh, जो है ब्लीड आउट बहुत ज्यादा करेंगी और uh, उनकी बॉडी जो ये बेयर नहीं कर सकती mm. ये बहुत पेनफुल है अब होता कि इन एक्चुअल एवर दे आर गोइंग टू देयर हस्बैंड पहले से अब पहले से वो सोच रही हैं वो हो आज वीकेंड है आज जो है या फिर जैसे भी उन्होंने अपना एक प्लान किया होता है अब पहले से वो सोचना शुरू करती हैं कि यार आज जो है ना ये होना है और इसकी वजह से बहुत मसला होना है मैं नहीं कर पाऊँगी मेरी तबीयत खराब हो जाती है मेरा सांस बंद होना शुरू हो जाता है मेरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है एंड इट्स रियली पेनफुल और ये बहुत पेनफुल है मुझसे ये होना नहीं

डील कर चलिए जस्ट कमिंग टू द पॉइंट यू सेड और आपने इसको मास्टरबेशन का और ये अभी हमने लेटली देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं uh, कि शायद कोई व्यूज ज्यादा हासिल करने के लिए क्योंकि इस तरह की बातें जो है वो वायरल ज्यादा होती हैं वो चलती है ज्यादा सुनी जाती हैं

राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन आपका अपना है कि ये राइट right है या रॉन्ग है या आपने खुद डिसाइड डिसाइड करना है इसको अपने लिए यू कैन इट फॉर लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये आपके सेक्शुअल या आपकी मेडिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है तो मेरा जवाब उसमें होगा कि नहीं hmm. ये नहीं इफेक्ट करता यस yes, ये इफेक्ट करेगा व्हेन इट इज टू द लेवल ऑफ एडिक्शन जब आप इसको एवरी टाइम व्हेन यू आर इवन डूइंग योर असाइनमेंट कोई भी आपका वर्क कर रहे हैं आपको ये असाइनमेंट कर रहे हैं एंड यू जस्ट थिंकिंग ऑफ इट आपका दिमाग इसने हाईजेक किया वो इस थॉट नहीं कि अच्छा मैं स्टोबेशन करनी मैं स्टोबेशन अच्छा मैं स्टोबेशन से ये होता है मैं स्टोबेशन से ये हो जाता है अगर ये आपके दिमाग में हर वक्त क्लिक आपने इसको किया हुआ और हर वक्त आपके इसके बारे में सोचे जा रहे हैं तो देन इट्स अ प्रॉब्लम